अब से हम स्टार्ट करते हैं, की के से, जो की मल्टीप्लीकेशन देखो तो जो एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू है नाइन पॉइंट थ्री है वो बहुत ही बेसिक दे रखी है उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पेपर में जनरली नहीं आएंगे आए तो वन वन मार्कर्स में आ गए तो आगे नहीं तो नहीं आएंगे जो हाईली इंपॉर्टेंट है वो है इसकी लास्ट टू एक्सरसाइज प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे तुम देख पाओ और अभी कर लोगे तो याद रहेगा अब यहाँ पे टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमल्स मल्टीप्लीकेशन देखो मल्टीप्लीकेशन में कोई ऐसा रूल नहीं है हमारे पास कि तुम्हारे लाइक like टर्म्स होने चाहिए जैसे एडिशन और सब्रैक्शन में हमारे पास रूल था कि अगर लाइक like टर्म्स है तो ही हम ये दो ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं नहीं तो नहीं तो मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कोई नहीं है हम मल्टीप्लीकेशन लाइक टर्म्स में भी कर सकते हैं Like में भी कर सकते हैं ठीक है अब पे सिंपली मोनोमिल्स की, की जैसे मैंने दे दिया थ्री एक्स और मैंने कह दिया फाइव एक्स वाई स्क्वायर ठीक है मैं कह रही हूँ मल्टीप्लिकेशन कर दो ठीक है बीच में इंटू की साइन दे दो अब इसमें रूल क्या है कि नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है थ्री फाइव फिफ्टीन लिख दिया मैंने अब जो वेरिएबल्स है ना जिनके पास सेम वेरिएबल्स है उनके पावर्स में डिफरेंस आएगा जो कि तुमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखा है या पे तुम देख रहे हो कि सेम है तो हमें पता है कि एक्स इंटू एक्स वैसे सिंपली एक्स होता है या हमने लॉज और एक्सपोन में क्या पढ़ रखा है कि यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है और हमारा लॉ क्या, क्या कहता है ए रेस टू एम इंटू एस टू एन क्या होता है सिंपली एर टू एम प्लस एन होता है तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू वन प्लस वन जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में Devils में तो लगेगा तुम्हारा लॉज एंड एक्सपोनेंट और जो क्विफिशियंट है उसमें कुछ नहीं उसमें सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देनी है ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है तो हम पूरी एक्सरसाइज में यही करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है इन्होंने दे रखा है तो ये क्या है कि हम पहले कॉमा की जगह इंटू लगा देंगे फिर यह माइनस फोर माइनस फोर पी इंटू सेवन पी अब पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस ट्वेंटी एट हो गया और पी इंटू पी अभी मैंने बताया था जैसे कि पी स्क्र हो जाता है अगेन माइनस फोर पी इंटू सेवन पी क्यू है पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट और ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यूब अगेन यहाँ पे फोर पी क्यूब है इंटू माइनस थ्री पी अब मैं फोर इंटू माइनस थ्री तो माइनस ट्वेल्व होता है और पी के पावर्स को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा पीले टू फोर और फोर पी इंटू जीरो चाहे वो कुछ भी रहन दो, 0 होता है। इसमें भी दे रखा है कि हमने बैकेट्स में तुम्हें दो टर्म्स दे रखी। उनका मल्टीप्लीस करना है तो, तो एक्सपोनेंट में कोई रूल नहीं तो ये सिंपली पी के हो जाएगा फिर दैट इज टेन एम इंटू फाइव एन तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिफ्टी एम और एन डिफरेंट टर्म्स है तो ये सिंपली हो जाएगा एम एन फिर ये है ट्वेंटी एक्स अगेन ट्वेंटी फाइव से हंड्रेड होता है, X -square, -square, है तो बस साथ में लिखी जाएंगी यहाँ पे फोर एक्स रिजल्ट 12 थ्री जाएगा और एक्स की पावर्स को ऐड कर लो यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है तो ये टोटल होके थ्री हो जाएगा यहाँ पे भी थ्री एम एन फोर एन पी है तो ये जगह थ्री फोर 12 ट्वेल्व एम तो एज इट इज रहेगा एन दो बार है तो इनके पावर्स को ऐड कर लो वन और वन ये स्क्वायर हो जाएगा और पी पीछे लग जाएगा अब जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन थ्री को मैंने एलिमिनेट कर दिया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन करना है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाएंगे ये बस तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने दे रखा है हम तो करेंगे फोर्थ क्वेश्चन अगेन यहाँ पे अब इन्होंने ट्रिपल मल्टीप्लीकेशन दे रखी है तो तीन बार है तो चलो कोई नहीं हम इनके बीच में क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन की साइन दे देंगे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फाइव थ्री से फिफ्टीन हो जाएगा फिफ्टीन इंटू सेवन हंड्रेड एंड फाइव हो जाएगा और पावर्स एड कर लो एक ही टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस फोर सेवन हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर लेंगे 2P into 4, into 8R, पहले numbers को multiply कर लेते 2 8, 8 64 हो जाएगा, और पी क्यू आर साथ में लिख के पीछे लिख देंगे हम इनके क्योंकि तीनों क्या हो, हो गए तुम्हारे अनलाइक टर्म्स होंगे पे हम पावर और एक्सपोनेंट नहीं लगा सकते हैं अब थर्ड में भी यही है एक्स वाई इंटू टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू टू एक्स वाई स्क्वायर

एक्स एक्स दो वाई वाई भी दो ज़ड़ ज़ड़ भी दो तो तो बार 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 है, 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 भी भी तो सिंपली स्क्वायर और ए के पावर्स को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स अगेन इनमें भी टू इंटू फोर वाई इंटू एट वाई स्क्वायर इंटू सिक्स पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो टू फोर एट 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 सिक्स और 64 फोर इंटू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 1024 हो जाएगा। 356, into 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 6ABC, तो हो जाएगा। जाएगा अब y के कर लो ठीक है? a तो ये वन स्क्वायर सब दो दो बार हैं और यहाँ पे m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी तो ये हो जाएगा m³ क्योंकि m तीन बार है ठीक है माइनस साइन बाहर आ जाएगी और n दो बार है तो n² और p अकेला है तो p तो इस तरीके से तुमने देखा होगा कि सिंगल टर्म्स थे ठीक है एक-एक टर्म के मल्टीप्लिकेशन थे, इसलिए मोनोमेल का मल्टीप्लिकेशन था ये जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बाइनोमियल पढ़ेंगे ठीक है 9.3 में और 9.4 में हम एनोमल्स के साथ पढ़ेंगे तो तुम्हारी जो 9.2, 9.3, 9.4, नाइन है वो डेफिनेट प्योरली तुम्हारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है मल्टीप्लिकेशन पे वो तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन का लेवल इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं तो इसलिए मैंने बता दिया है जो टू और थ्री है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में रह आते हैं और मैथ से रिलेटेड वीडियोज के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए उसके लिए सिंपली क्या करना है तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करो शेयर करो And thank you.